बहुत कैची नाम है, बहुत फनी नाम है, दिल मेरा स्टूपिड। और उस फिल्म को हरीश अग्रवाल जी डायरेक्ट कर रहे हैं जो हमारे मित्र हैं, हरीश जायसवाल जी डायरेक्ट कर रहे हैं जो हमारे मित्र हैं, और मेरे ख्याल से उन्हीं का दिल स्टूपिड है क्योंकि ये कहानी उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। और कहानी से ही पता चल, नाम से ही पता चलता है कि फिल्म में कितनी फनी फनी कलाकार होंगे, कैसे एकदम खतरनाक खतरनाक शहर शक्ल के लोग इसमें कॉमेडी करेंगे। इसमें आपकी कोई कॉमेडी देखने को मिलेगी? हाँ जी, मेरी कॉमेडी देखने मिलेगी आपको। तो यही वजह है कि दिल मेरा मेरा भी दिल स्टूपिड है। तो मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में हो या दुनिया में, देखना चाहेगी हर भीड़ जिस फिल्म को, उस फिल्म का नाम है दिल मेरा स्टूपिड। थैंक यू जी, थैंक यू मच, विश यू ऑल। हाँ जी दिलीप जी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है, फिर से डबल धमाका हुआ है, एक बार मिल गई है। दिल मेरा स्टूपिड जो फिल्म बन रही है, और सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि फिल्मों की तो खुशी होती है, मगर हमारे चहीते लाडले उभरते हरीश जायसवाल साहब इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पहली मरतबा अगर कोई क्रांति आएगी तो इनके डायरेक्शन से आएगी। कि एक मतलब अभी तक इन्होंने हर फिल्म को प्यार से रिलीज ही करवाया है, मगर उसके लिए अब खुद एक अच्छी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, दिल मेरा स्टूपिड। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, साथ में मेरे सुनील जी हैं, अरविंदर जी हैं जो हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के बेजोड़ सिंगर हैं, और साथ में हमारे रमेश गोयल साहब भी हैं। मैं चाहूंगा हम सब की तरफ से हरीश जायसवाल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल सारा स्टूपिड। एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं 40 से 45 पिक्चर ऑल इंडिया रिलीज कर चुका हूँ, और हमने देखा कि हमारे यंग जनरेशन को क्या चीज़ पसंद है, और एक अच्छी फिल्म चलने के लिए क्या क्या चाहिए उसके अंदर। पहली बात तो अच्छे गाने चाहिए, अच्छे स्टार कास्ट चाहिए, अच्छे सिंगर्स चाहिए, म्यूजिक डायरेक्टर्स चाहिए, जिसकी वजह से फिल्में चलती हैं और हमारी ऑडियंस देखने जाती है। और मैं उसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि प्रोड्यूसर का पैसा बचे, उसके घर पैसा आए, क्योंकि पिक्चरें तो रिलीज हो जाती है, सुनील जी को पता है, मैंने भी एक पिक्चर बना के रिलीज कर लिया है, तो क्या हाल होती है। एक्चुअली बिगर प्लानिंग के साथ अगर कोई फिल्म को बनाया जाता है तो उसमें सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले फिल्म बनाने से पहले उसको प्लानिंग किया जाए कि हम इसको मार्केटिंग कैसा करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा करें, कहाँ से कैसा पैसा हमें आए, उसके साथ हम फिल्म में हाथ डालें। तो यही हम हमारे प्रोड्यूसर को समझाया, और उन्होंने मुझे इस पहला ब्रेक दिया इस फिल्म के अंदर कि सर आप ही इस फिल्म को बनाए जब आपको इतना नॉलेज है। तो हमने यंग जनरेशन को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म बनाने का हमने जिम्मा लिया, और आप लोगों का प्यार है और मीडिया का प्यार हमारे साथ हमेशा बना था, बना है और बना रहेगा, और आप ही के जरिए मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गया। हरीश जी, एज ए डायरेक्टर बहुत बड़ी जवाबदारी है, और जवाबदारी का बोझ जब कंधे पे पड़ता है तो अक्सर बचपन याद आ जाता है, बचपन तो आ ही जाता है, लेकिन हर बच्चा अपने माँ के पेट से तो सिक्के निकलता नहीं है, बाहर ही आगे सीखता है। और मैंने काफ़ी अच्छी इंट्री फीस दे दी है, मेरे भाई ने भी बहुत अच्छी इंट्री फीस दी है, तो ये सब नॉलेज हमने फीस दे के सीखा है। तो अब हमें क्या और कैसा बनाना चाहिए, और हम गलत लोगों के हाथ में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं कि रोज़ फिल्म बनाते हैं, रोज़ रिलीज़ करते हैं, और प्रोड्यूसर को कल बेचारा नंगा करके गांव भेज देते हैं। तो हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे, हम जब भी फिल्म बनाएंगे तो पहला मार्केटिंग पॉलिसी के साथ लेके चलेंगे और रिलीजिंग प्लानिंग के साथ लेके चलेंगे, ताकि प्रोड्यूसर के पैसे सेफ हो जाए, एटलीस्ट जो भी पैसा लगाए कम से कम 20% तो कमा के जाए। सर हरीश जी जो है बहुत अनुभवी आदमी हैं, और चूंकि काफ़ी फिल्मों में इन्वॉल्व हैं, और अब जो फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं तो नेचुरली एक्सपीरियंस तो काम आता ही है, तो जो अपने एक्सपीरियंस से काम करेंगे और डायरेक्शन देंगे तो निश्चित रूप से फिल्म बहुत अच्छी बनेगी। और मुझे टाइटल बहुत पसंद आया, दिल मेरा स्टूपिड, वाकई दिल स्टूपिड ही होता है, और वो टाइटल जो है सार्थक है। ये फिल्म अच्छी चलनी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए, भगवान करे, और मेरी शुभकामनाएं, थैंक यू। अगर दिलीप जी चाहें तो पूरी फिल्म उनकी है, वो जरूर एक्टिंग करेंगे। और पहली बात, दिलीप जी इंडियन है, भारतीय है, और मैं अपने फिल्म में किसी भी पाकिस्तानी को नहीं लेना चाहता हूँ। जिसको पैसा कमाना है वो कमाए, बड़े बड़े डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, हमारे देश में 135 करोड़ की जनता होने के बावजूद भी दूसरे देश को जाके, खास करके पाकिस्तान, आप किसी भी हीरो को रईस नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे सर, किसी भी हीरो को खूबसूरत नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे सर। हमारे पास दिलीप जी ने गाना बनाया था, आपको याद होगा, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले। अब इस फिल्म में ये टैक्सी ड्राइवर बने हैं और इनका गाना है,
भाई रो जब भी जाना हो दिल्ली स्टूपिड बोले ओला 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 दिल्ली स्टूपिड बोला ओला ओला। अमरिंदर जी क्या कहना चाहिए? जैसा कि मैं हरीश जी को बहुत सालों से जानता हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इनकी फिल्मों में, और ये जो फिल्म लेके आ रहे हैं मुझे बिल्कुल यकीन है कि बहुत ही खूबसूरत फिल्म लोगों तक आएगी और इनका एक्सपीरियंस बिल्कुल काम में आएगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं दिल मेरा स्टूपिड के लिए, और मुझे इतना यकीन है कि जब लोग देखने जाएंगे फिल्म तो स्टूपिड फील नहीं करेंगे अपने आप, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ पूरी टीम के लिए, पूरी इंटायर टीम जो दिल मेरा स्टूपिड की टीम है, एक्टर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर्स हैं, सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिल मेरा स्टूपिड के अगर गाने की बात की जाए तो आपके गाने के लिए कैसे तैयारी कर ली, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, गाने की तैयारी तो देखिए हमेशा चलती रहती है, और जिस दिन स्टूडियो में जाएंगे उस दिन रिकॉर्ड भी हो जाएगा, और उसके गाने जो म्यूज़िक पे जो काम हो रहा है बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, और मुझे उम्मीद है क्योंकि म्यूज़िक फिल्म के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, म्यूज़िक लोगों तक पहुंचता है पहले, फिल्म बाद में आती है, तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि गाने इसके लोगों के दिल तक उतरेंगे, उसके बाद तो लोग इस फिल्म को भी प्यार करेंगे। थैंक यू सर। एक जी जी सर क्या कहना चाहेंगे? इतनी खुशी हो रही है, दिल स्टूपिड है जी, मेरा स्टूपिड है बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, और सबसे पहले तो आप सभी को मैं नमस्कार कहना चाहूँगा, मेरा करण भाई का दिल भरा नमस्कार। आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, आप लोगों के जरिए हम लोग पब्लिक तक आ जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। इस प्रकार के गाने हैं और गानों के चर्चा करें, बात करें जी जी, इसमें 5 सॉन्ग्स हैं हमारे, 5 सॉन्ग्स हैं टोटल, तो जी 5 सॉन्ग्स हैं हमारे टोटल, और काफ़ी अच्छा काम है इसमें, लव सॉन्ग भी है इसमें, मतलब हिप हॉप भी है इसमें, क्लबिंग सॉन्ग भी हैं, काफ़ी टाइप के अलग अलग वैरायटीज़ आपको इसमें मिलेंगी, और काफ़ी मेहनत हो रही है लिरिक्स को लेकर, कंपोजिशन को लेकर, और उसके म्यूज़िक को लेकर, हम बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दें और कुछ ऐसे सॉन्ग्स दें जो हमारे हिंदुस्तान में सभी फैमिलीज, पूरे फैमिली एक साथ बैठ के देख सकें, कुछ भी इसमें बलगत ना हो, और अच्छे लोग देखें, और मतलब सब इसको अच्छी तरह देख सकें, कि किसी को भी ये ना रहे कि नहीं इसमें फैमिली के साथ बैठ के ना देखें, ऐसा कुछ ना, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और सभी के दिल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल मेरा जी आप हमारी प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने हमें कास्ट किया, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ इनके लिए, ठीक है, और मैं क्या कहूँगा इसके लिए, मैं तो अभी इस मूवी के लिए मुझे लीड चुना गया है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जी जी जी। किस किरदार की बात करें तो किस प्रकार के किरदार है इसमें बताया गया आपका? जी अभी हमारे स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, और म्यूज़िक हमारा ऑलरेडी म्यूज़िक बन रहा है, जिसके लिए म्यूज़िक हमारा बन रहा है, और आप भी हमारे प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, तो अभी जहाँ तक मेरी बात है तो ये इसमें 4 किरदार हैं, 4 लीड हैं और 4 एक्ट्रेस हैं, और ये बेसिकली मुंबई की कहानी है कि मुंबई में लोग आते हैं और कैसे जो है वो रहते हैं यहाँ पे, कैसे वो गुजारा करते हैं यहाँ पे, फिर हमारा शूट यहाँ पूरा मुंबई और पंजाब में हो रहा है, और आप क्वेश्चन करेंगे तो बताएंगे। थैंक यू आप हमारे प्रोड्यूसर हैं, नमस्कार। हम लोगों का यही प्रयास है, एक सोच है जिसको हम लोग इस फिल्म के माध्यम से ला रहे हैं आप लोग के बीच में। सब्जेक्ट बहुत होते हैं, बहुत सी मूवी बन चुकी हैं, बहुत सी हम लोग जानते हैं, सावधान ग्राम डिटोल में सब देखते ही हम लोग, लेकिन कुछ ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो आज के परिवेश में हमारे इर्द गिर्द हमारी हर लाइफ में, हर किसी इंसान के लाइफ में गुजर रहा है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब्जेक्ट हम लोगों ने ऐसे चूज किया है कि आम जनता कभी ध्यान नहीं दे पाती कि उसकी प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या, वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करती आती है, तो इसमें हम लोगों ने उस छोटी छोटी चीज़ों को उजागर किया है जिससे लाइफ अच्छी बने, और इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हम लोग उजागर करेंगे तो कॉमेडी तो होगी।
तो कॉमेडी में अच्छा व्यंग है, सटायर है और एक अच्छी स्क्रिप्ट है, इसको हम लोग बना रहे हैं। थैंक यू सर। सोनी कुमार है, मैं अभी हरी सर को असिस्टेंट डायरेक्टर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी फिल्म है, स्टोरी बहुत अच्छी है, कंटेंट फिल्म की बहुत अच्छी है। इसमें स्टूपिड कौन है? स्टूपिड लड़कियाँ हैं इस फिल्म में और लड़के भी हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? ऐसे हीरो मतलब जस्ट लाइक कॉलेज लाइफ के ऊपर फिल्म है। देन बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। कोई फिल्म और नहीं मिली आपको डायरेक्ट करने का, असिस्टेंट करने के लिए? लेकिन देखिए क्या होता है कि काम अच्छा हो, अच्छी स्टोरी हो और दिल से कोई भी फिल्म में काम करो तो ऑटोमेटिक बहुत अच्छी फिल्म बनाओगे। स्टूपिड छोटी होते हुए सर, जहाँ तक स्टोरी की बात है, स्टोरी जो सर ने लिखा बहुत अच्छा स्टोरी है और स्टूपिड की बात है कि स्टोरी के ऊपर स्टूपिड बना, मैं किसी को नहीं बना सकता।